तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम एक और नई सीरीज लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। आई होप आपको यह सीरीज पसंद आएगी आगे चलकर, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को और प्रेस कर देना, और ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका इस सीरीज का जो पहला एपिसोड वह है आप सभी को कैसा लग रहा है। तो आज हम लेकर आ चुके हैं बिल्कुल रिवर्स वर्ल्ड की एक और स्टोरी। लास्ट सीरीज में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाया था, तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप इस सीरीज पर भी हमें बहुत अच्छा सा प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएंगे और अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। और गाइस, जिसने भी अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अबाउट सेक्शन पर जाकर आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर आपको आए के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे वक्त वक्त पर। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लोगे, बस यही रिक्वेस्ट ही और कुछ भी नहीं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का जो पहला एपिसोड है वो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बंदे के हाथ में एक मोबाइल दिखाया जाता है जिस पर न्यूज़ आने में लगी हुई होती है। तभी जो न्यूज़ एंकर होता है वो न्यूज़ में कह रहा होता है कि रिसेंटली किसी का पीछ खाते हुए जो वीडियो बना हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा वायरल होने में लगा हुआ है। इस वीडियो में ये जो लड़की है वो लड़का बनकर पीचेस खाने में लगी हुई है, जिसके कारण जितने भी इंटरनेट यूजर्स हैं उन्होंने अपना इस वीडियो को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट दिखाया हुआ है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर डेड गन विंड फेनोमेना का दिखाया गया है पीचेस खाते हुए। ये गाइस अलग ही तरीका फेनोमेना है, क्योंकि ये कुछ आगे पता चलने वाला आपको कि आखिरकार सीन क्या है। तभी जो रिपोर्ट है तो वो बताती है कि जो लड़कियां हैं इस वर्ल्ड की, उन्होंने कम से कम हजार सालों से जो मेंटलिटी बनाई होती है दिक्सियान में, इस वीडियो में जो लड़की है उस मेंटलिटी को मिटाने में लगी हुई है। इसी कारण इंटरनेट के जितने भी यूजर्स हैं वह शिकायत करने में लगे हुए इसको इस वीडियो को लेकर। हमारे यहाँ पास्ट में जो वुमेंस हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा केपेबल और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता था, और वो आसमान की ऊंचाइयों तक छू सकती थी। और इस यह वीडियो आने के कारण जो वुमेंस की इमेज है वो ख़राब होती जा रही है, और ये जो हालत है वो बदते बदतर ना होते जाए, इसलिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है और टीवी टेलीविज़न है उन्होंने एक बात का फैसला लिया है, और इस डेडिकन स्टाइल को मिटाने के लिए और इसे एलिमिनेट करने के लिए वो अपनी पूरी की पूरी कोशिश करेंगे और हर एक उपाय अपनाएंगे इसे यहाँ से हटाने के लिए। और जो यह वीडियो देखने में लगा हुआ था वह एक लड़का होता है। इसके बाद में हमें आगे पता चलेगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ यह हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। तो ये इस समय काफ़ी ज़्यादा मोटा लग रहा है, हम इसे फैटी कहेंगे अभी के लिए। और जो फैटी है ये इस वीडियो को देखने के बाद कहने लगता है आखिरकार ये सब क्या चीज़ चल रही है, और वो अपने मन में सोचते हमें बताता है आखिरकार मैं किस दुनिया में रिबॉर्न हो चुका हूँ। तो यहाँ पर इसका राज खुलता है कि इस बॉडी में कोई और बंदा है, और वो अपनी बॉडी दिखाते हुए कहने लगता है कि मुझे इस दुनिया में आए हुए कम से कम 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस हैवी मॉडल बॉडी का अभी तक मैंने इस्तेमाल करने की आदत नहीं डाल पाई है। और ज़रा देखो सही है कितना ज़्यादा स्ट्रेंज और कितना ज़्यादा अजीब वर्ल्ड है, और इस बंदे का पेट निकलने में लगा हुआ है। और तभी मैं इसके पास्ट के जाने कि असली ओनर के बारे में बताया जाता है कि किसकी सोल इसके अंदर आई हुई है। वह बताता है अपने बारे में कि पास्ट में मैं एक एम्परर था मेरे इस दुनिया में आने से पहले, और मेरी जनरेशन में मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्परर था, लेकिन अभी की प्रेजेंट के समय में मैं जब भी कहीं पर भी वेबसाइट पर न्यूज़ देखता हूँ तो इस दुनिया के अनुसार जो भी न्यूज़ आती है मेरे मोबाइल पर उसमें लिखा जाता है कि यहाँ पर लड़कों को असॉल्ट किया जाता है, जो कि मैंने आज तक कभी भी नहीं सुना है। इस दुनिया में किसी भी तरह के कल्टीवेटर्स मौजूद नहीं है, है या नहीं वो तो हमें आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन अभी इसके अनुसार जो बता रहा है वह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बताता है कि ये जो दुनिया है वो मॉडल वर्ल्ड है, और यहाँ पर मैन और वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली रिवर्स हो चुका है। और यहाँ की दुनिया के अनुसार जो वुमेन होती है वो हस्बैंड से शादी करती है और बच्चों को पैदा करती है, और फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वर्क करती है, और जो हस्बैंड होता है वो घर का सारा चार्ज संभालता है, और घर पे जितना भी काम वगैरह होता है, खाना वगैरह, कपड़े धोना वगैरह, सारा लड़के करते हैं। तो गाइस ये स्टोरी भी रिवर्स वर्ल्ड की है, आप तो आप समझ ही गए होंगे, और आपको तो इतना पता ही रहता है कि रिवर्स वर्ल्ड में क्या होता है, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक लास्ट सीरीज नहीं देखी हमारी तो आप उसे जाकर चेक कर सकते हो, स्कर्ट इन द वुमेंस वर्ल्ड को, वो भी रिवर्स वर्ल्ड की स्टोरी है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेकार चीज़ ये है कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो वाकई में बहुत ज़्यादा कम है, और मेरी जो स्पिरिट मेरी जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, इसलिए मेरी जो पहले तरफ पे एम्परर के तौर पर जो स्ट्रेंथ थी उसे रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, और इतना आसान नहीं होने वाला मेरे लिए इसे रिकवर करना। लेकिन डीमंस का जो कल्टीवेशन था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, और मेरे इस दुनिया में आने से पहले हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा घमासान युद्ध किया था, जिसके कारण वहाँ पर एक डायमेंशन रिफ्ट ओपन हो गई थी, और उस समय हम दोनों ने अपनी बॉडीज को खो दिया था। ये तो मेरे किस्मत का जरिया है, ये मैं इतना ज़्यादा लकी था उस समय पर कि मैं उस समय बच निकला और मेरी सोल उस बॉडी से निकलकर इस बॉडी में यानी कि इस वर्ल्ड में आ गई है, और उस समय मैं किस्मत से सर्वाइव भी कर गया, और ये चीज़ मेरे लिए वाकई में मिरेकल लेवल है, और यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है कि मेरे जस्ट मरने से पहले जो मेरी सोल है वो इस वर्ल्ड में ट्रेवल कर गई और इस डेड बॉडी के अंदर घुस गई।
जब मेरी जो सोल थी वो वॉइड के क्यूज में फंस गई थी उसके बाद। और बात कर रहे हैं हम इस बॉडी की, तो इस बॉडी का जो रियल ओनर का जो नाम था उसका नाम लिनमो है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बॉडी का जो रियल ओनर था, इस फैटी का जो रियल ओनर था इस बॉडी का, उसका नाम लिनमो था। तो हम इसे लिनमो ही कहेंगे अब से। और वह अपने इस बॉडी के पास्ट के बारे में बताता है और कहने लगता है, अगर मैं इसकी मेमोरी को रिकॉल करूं तो ये जो लड़का है लिनमो, वो वाकई में अच्छी ऑर्डिनरी रिच फैमिली से बिलोंग करता था और टॉप प्राइवेट हाई स्कूल का एक स्टूडेंट है। और जो एम्परर है वो इस बारे में सोचने में लगा हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और सामने उसकी स्किल की ड्रेस टंगी हुई होती है और मन में सोचते कह लगता है, मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि जिस डीमन को इस दिन मैं फाइट करने में लगा हुआ था, क्या वह भी जिंदा हो गई है, क्या वह भी उस समय पर बच गई थी और इस वर्ल्ड में आ चुकी है, और इन सब का कोई मतलब भी नहीं बनता। अब मुझे सबसे पहले तो अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी और जितनी भी पावर थी एम्परर के तौर पर, सारी की सारी स्ट्रेंथ को मुझे वापस पाना होगा, ताकि उसके बाद में इस बॉडी में लिनमो की तरह जिंदा रह सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो पहले की बॉडी थी वो टोटली तबाह हो चुकी है। और मेरी अभी की कंडीशन देखकर तो ऐसा लगता है कि अब तो एम्परर को भी स्कूल जाने की ज़रूरत है। हाँ भाई, हमारे भी स्कूल जाकर हालत ख़राब हो गई थी, अब तेरे को पता चलेगा कि क्या होता है स्कूल में। और उस घर को चारों तरफ देखते हुए कहने लगता है कि इस वर्ल्ड में इस बॉडी की जो फैमिली का घर है वो इतना तो बुरा भी नहीं है, लेकिन ये वाकई में बदकिस्मत वाली बात है कि जो मेरा फिश का पॉन्ड था मेरी ओरिजिनल बॉडी में, मतलब एम्परर के तौर पर मेरा फिश का पॉन्ड था, ये घर उससे छोटा है। और लिनमो की फैमिली के बारे में, पास्ट के बारे में बताता है, और बताता है कि जो लिनमो के जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी मर चुके हैं एक एक्सीडेंट में, और उस समय पर मैं यंग था, और इस समय पर जो मेरी ग्रैंडमा है वो एक बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती हैं, और जो मेरी अनरिलेटेड आंट है उन्होंने मेरा रोल ले लिया है गार्डियन के तौर पर जब मैं अकेला रह गया था घर पर, और अब हम लोग साथ मिलकर रहते हैं। और इससे पहले कि मुझे पता लग पाता कि जो भी चीज़ मुझसे बिलोंग करती है मेरी है, वो सारी की सारी चीज़ उन्होंने अपने नाम कर ली, और मेरे रहने का जो खर्चा था उन्होंने काफ़ी 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 कम कर दिया उसके कारण। और तो और इस बॉडी का जो ओरिजिनल ओनर था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, और किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट नहीं है, और जितने भी चेंजेस इसके पास होने में लगे हुए थे कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए, और साइलेंटली जो भी हो रहा था उसके साथ उसे एक्सेप्ट कर सकता था। और वह ये सब सोचते हुए बाहर निकलता है कमरे से, और देखता है कि उसके जो फैमिली मेम्बर थे जिन्होंने उसका सब कुछ लिया था, वो उसके सामने नाश्ता करने में लगे हुए थे, और लिनमो भी वहाँ जाता है। और तभी हमें बताया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो शजमुद्दीन है उनका नाम अंकल लियू यिंग जुन है, और जो स्माइल मारकर खाने में लगा हुआ है वो इसका ब्रदर लिन जीजुआन। तभी यहाँ पर हमें आंट के बारे में दिखाया जाता है, और इसका नाम लिनली होता है। तभी इसकी आंट लिनली उससे कहने लगती है, लिनमो तुम सही समय पर आए हो, मैंने तुम्हारे स्कूल के बारे में सुना है। ही यानू ही बिल्कुल सही है, उसने जो भी तुमसे स्कूल में कहा था कि वह अडल्ट के जोक्स के अलावा कुछ भी नहीं है, तो अब मैं बता दूं ही यानहुई है कौन, ये इसकी फियांसे है। जैसे कि नॉर्मल स्टोरीज में आपने पढ़ा होगा कि लड़की मना कर देती है, ये लड़की का नाम है। तभी लिनमो मन में सोचते कहने लगता है ही यानहुई, और बताता है कि इस बॉडी के ओरिजिनल मेमोरी के अनुसार जो मेरी ग्रैंड मदर थी उन्होंने मेरी अर्ली मैरिज सेट कर दी थी, जिससे पहले कि ये बीमार पड़े उससे पहले ही, और जिसके साथ मेरी मैरिज सेट की गई थी उस लड़की का नाम ही यानहुई था। लेकिन जब ही यानहुई ने मुझे पहली बार देखा था वो उस समय मुझे देखकर काफ़ी डर गई थी। और हमें वह सीन दिखाया जाता है यहाँ पर, असली मतलब इस बॉडी के असली ओनर से जब ही यानहुई पहली बार मिली थी तो चिल्लाते उससे कहने लगता, कहती है कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है इस फैटी गाय के साथ मैं शादी कर लूँ, जरा इस मोटे को देखो सही। और इतना को सुनने के बाद जो इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर था उसका दिल पूरी तरीके से टूट चुका था, और सड़क पार करते समय इसने अपना ध्यान भटका दिया, और भाई यहाँ पर ट्रक कून आ गए और इन्हें ठोक के चले गए, और एक्सीडेंट में यहाँ पर इसकी मौत हो गई। गाइस ये स्टोरी तो आपने काफ़ी सुनी होगी, काफ़ी ज़्यादा एनिमीज में देखी भी होगी कि ट्रक कून भैया आते हैं ठोक के चले जाते हैं और पहुँच जाते हैं हमारे ओनर दूसरी दुनिया में, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है, वो दूसरी दुनिया से दुनिया में आया है। और तो और ये भी कहा गया है, और ये मतलब इस बॉडी की मेमोरी के अनुसार, कि जो मेरी आंट है उन्होंने उसी समय पर हमारी मैरिज को बंद कर खत्म कर दिया था, और जो एग्रीमेंट हमने किया था वो कैंसिल हो चुका है। ये तो वाकई मेरे लिए कविता अच्छा है, आखिरकार मैं एक एम्परर, मेरी जनरेशन का एम्परर, किसी ऐसी लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ, मतलब इस वर्ल्ड की लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैन एंड वुमेन का जो रोल है ऑलरेडी बदल चुका है। तभी उसकी आंट लिनमो को बुलाती है और कहती है, क्या तुम मुझे सुनने में लगे हो। तभी जो लिनमो होता है वो कतई गुस्से में अपनी आंट को देखता है और उससे कहने लगता है, ये बस एक मजाक से हटकर कुछ भी नहीं था, तो फ्यूचर में मेरे लिए शादी का कोई मैटर ऐसा नहीं आना चाहिए, और कभी भी जोक के तौर पर ऐसी कोई मैरिज अरेंज भी मत करना। ये बात सुनने के बाद उसकी आंट कतई शॉक होती है, और लिनमो का जो ऑरा होता है वो टोटली बदल चुका होता है, लेकिन जिन नॉर्मल मोटर्स को इसका ऑरा नहीं दिखाई दे रहा है, इसकी आंट मन में सोचते कहने लगती है, आखिरकार ये इतनी जल्दी इतना बदल कैसे गया, अनएक्सपेक्टेडली, जरा देखो सही, इसमें से बिल्कुल ऐसा आ रहा है जैसे कि ये कोई मुनार्च वगैरह हो, और अनएक्सप्लेनेबल टायरनी जैसा सेंसेशन महसूस होने में लगा हुआ अब तो इसको देखने के बाद।
एम्परर जो ठहरा दूसरी दुनिया का, और तभी वह भी अपने टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। और तभी लिनमो इस खाने को देखने के बाद मन में सोचते कहने लगता है, मेरा इस खाने को देखकर खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से, जब से इस दुनिया में आया हूँ तब से डाइट पर हूँ, लेकिन इस बॉडी को मैं भूखा तो नहीं मार सकता ना, तो मुझे खाना खाना ही होगा। और वह उसे खाना स्टार्ट कर देता है, और जब इसकी स्मेल लेता है तो कहता है, इसकी स्मेल काफ़ी तो बेटर आ रही है। तभी इसका जो कज़न होता है वो उससे कहने लगता है, हे कज़न लिनमो, अगर मैं तुम होता तो मैं अब्रॉड में जाकर पढ़ाई करता, जबकि तुम्हारे क्लासमेट जानते कि तुमने उस लड़की को प्रपोज कर दिया था खुलेआम, और तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज़ नहीं रही है कि उसने तुम्हें खुलेआम रिजेक्ट कर दिया है, तुम फिर भी उसी क्लास में जा रहे हो उसके साथ पढ़ने के लिए। तभी जो एम्परर होता है, लिनमो होता है, वो मन में सोचते कह लगता है, आखिरकार मैं इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान कैसे दे सकता हूँ, और आखिरकार इन चींटियों से मैं बात क्यों करूँ, जबकि मैं कम से कम 1000 सालों से एम्परर के तौर पर रहते हुए आने में लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी कुछ समय के लिए मुझे ये नेसेसरी हो चुका है कि मैं इस बॉडी के ओनर की तरह एक्टिंग करना चालू रखूं और एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह यहाँ पर जीऊँ। तभी लिनमो उससे कह लगता है, नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाने वाला, अभी की स्कूल लाइफ से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तभी उसका कज़न उससे कहने लगता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कहाँ पर पढ़ते हो, जब तक तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते हैं तब तक। और तभी लिनमो मन में सोचते कहता है, मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं और अपना समय बर्बाद भी नहीं करना चाहता। तभी 1 घंटे के बाद सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर एक कार दिखाई जाती है, यहाँ पर जो ड्राइवर होता है वो लिनमो और कज़न को स्कूल में लेकर आ जाता है, और वो कहने लगता है, यंग मास्टर्स, हम यहाँ पर आ चुके हैं स्कूल में, अब आप जा सकते हैं। तभी लिनमो का जो कज़न होता है वो लिनमो से कहने लगता है, तुम मेरे साथ इस कार से बाहर मत निकलना, लेकिन इतना सुनने के बाद लिनमो उसको घूरना चालू करता है। ये देखकर उसके कज़न की फट जाती है, और कहीं डर के शौक हो जाता है, भाई आँखें फटी रह जाती है बंदे की, और वहाँ से गुस्सा होते हुए चला जाता है। तभी लिनमो भी बाद में उस कार से बाहर निकलता है, और इस दुनिया में आने के बाद इस हमारे एम्परर का पहला दिन है स्कूल में जाने का। और जब इस वर्ल्ड का आर्किटेक्चर देखता है तो वह कहने लगता है कि इस वर्ल्ड का आर्किटेक्चर वाकई में अच्छा है, लेकिन इस वर्ल्ड के जो लड़के लोग हैं वह यहाँ पर सभी लोग अपने पैरों को दिखाने में लगे हुए हैं शॉर्ट्स पहनकर, और डिस्प्ले करने में लगे हुए हैं अपने वाइट लेग्स को, और वुमेंस को देखा जाए तो वह सारे के सारे वुमेंस नॉर्मल है। तो गाइस यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होने में लगा हुआ है कि ये रिवर्स वर्ल्ड है, तो यहाँ पर दादागिरी चलती है लड़कियों की, लड़के तो बस ऐसे ही फिरते हैं अपनी ओरिजिनल वर्ल्ड की तरह। तभी ऐसे ही लिनमो अंदर जा ही रहा होता है, तभी कोई चिल्लाते हुए कहने लगता है, जरा देखो सही उस लिनजी जुआन के लेग्स, इसके लेग्स तो कतई बवाल लग रहे हैं, इसके पैर देखे हो तो सही कितने वाइट और मुलायम दिखने में लगे हुए हैं। ये बात सुनने के बाद जो लिनमो होता है उसके मुंह से तो उसकी हंसी नहीं रुक नहीं पाती, क्योंकि ये ठहरा अपने ओरिजिनल वर्ल्ड से एम्परर, जो ठहरा मतलब एम्परर वाली बात छोड़ो, अपने ओरिजिनल वर्ल्ड से है, लेकिन अभी इस समय पर जहाँ पर ये मौजूद है वो टोटली वर्ल्ड रिवर्स हो चुका है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे मना करके कहने लगती है, तुम्हें इस तरीके से उसे घूरने की जरूरत नहीं इतना ज़्यादा। और हमारा एम्परर कतई उदास हो जाता है ये सुनने के बाद, और क्या लगता है, ये तो कम्प्लीटली डिस्गस्टिंग है मेरे लिए। और ये बात सुनने के बाद मुझे बिल्कुल अनईजी महसूस होने में लगा होता, ये वर्ल्ड वाकई में बहुत ज़्यादा टेरेबल है, भाई साहब कैसे गुजारूंगा यहाँ पर मैं अपनी लाइफ। खैर भूल जाओ, मुझे इस बारे में नहीं पता जिस डीमन क्वीन के साथ मैं फाइट करने में लगा हुआ था क्या वह भी इस वर्ल्ड में ट्रेवल हुई है या फिर नहीं हुई है, और मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना होगा पहले के मुकाबले में और ज़्यादा, जिससे पहले कि वह डीमन क्वीन अपने आप को पावरफुल बनाए। और वह अपने मोटे से पेट को लेकर जाना चालू कर देता है, और इसी सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ और इसी सरप्राइज के साथ हमारे रिवर्स वर्ल्ड की जो स्टोरी है वह यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा, पसंद आया ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अरे यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि इसके जो आगे की सीरीज आने वाली है, एपिसोड आने वाले हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आपको पता चल जाए, तो आप देख सकते हो टाइम पर। और अब हम देखना चाहेंगे आप कितना प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं सीरीज पर, और उसी हिसाब से हम इस सीरीज को कंट्रोल करेंगे, मतलब कंटिन्यू करेंगे। और गाइस मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसने भी हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया ना, जल्दी से फॉलो करो यार, प्लीज़ यार मेरे फॉलोवर्स थोड़े से बढ़वा दीजिए, क्योंकि इस पर अपडेट्स मैं डालना चाहता हूँ, पर उससे पहले थोड़े फॉलोवर्स हो जाए फिर मैं अपडेट्स डालना चालू करूँगा। और आप लोग अपनी स्टोरीज यहाँ पर शेयर कर सकते हो, मैं वो भी डालना पसंद करूँगा, पर एनिमे से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय, सिनेरा सनिंग आउट।